आज 28 रमजान मुबारक है और आज हम मस्जिद नबी शरीफ में अफ्तार का प्लान बनाया है। तो तकरीबन हम घर से कोई 2:30 बजे के करीब निकलें और मस्जिद नबी शरीफ पहुंच गए और अब इंशाल्लाह यहां पर हम पहले असर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद फिर अफ्तार करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि मस्जिद नबी अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आप टाइम मार्जिन रख के आएँ, यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पार्किंग अवेलेबल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मस्जिद बिलाल में एक जगह फुटपाथ के ऊपर हमने पार्क की है, मस्जिद बिलाल की जो पेड पार्किंग है उसमें। तो इस चीज़ को जहन में रखिए। तो बस अब चलते हैं, वज़ू बनाने के लिए नीचे आए थे तो अब जो है वो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाकर अब इंशाल्लाह पहले नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अफ्तार के मामला जो है वो यहाँ पर किस तरह से। जो सामान हम अपने साथ लेके आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया। आप देख सकते हैं हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे हैं, लोग ही लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 27वीं शब को तकरीबन 30 लाख लोग जो है वो मदीना में उन्होंने नमाज अदा की, जो लैलुल क़यामुल्लैल होती है और तरावीह। ये बिल्कुल अफ्तार से पहले का टाइम है, तकरीबन 15 मिनट रह गए अफ्तार होने में। माशाल्लाह गहमा गहमी दोबारा से बहाल हो गई है 2-3 सालों से बंद हुए बाद का मामला। ज़बरदस्त किस्म का अफ्तार तकसीम किया जा रहा है। अफ्तार मुकम्मल हो गया, अब अफ्तार के फौरन बाद जो समेटने वाला काम होता है अब वो शुरू हो रहा है और मिनटों सेकंडों के अंदर सारे दस्तरखान से मर जाते हैं और फिर नमाज का अहतमाम किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है मगरिब की नमाज पढ़ते और बारिश बारिश हो गई है। फतेह में भी हमें रास्ते में थोड़ी सी बारिश मिली थी लेकिन मदीना में नहीं थी।
दोस्तों, तो अब हम हरम से बाहर निकल आए घर जाने के लिए। अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, जम्बो की रवानगी होगी। तो बस वीडियो का आज का मकसद यही था कि आपको मस्जिद नबी की जो है अवतार दिखाई जाए। और चहल पहल आपने सब देखी। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।